मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है, जो प्राथमिक शिक्षा है, वो नेतरहाट विद्यालय बिहार उस समय था, इस समय झारखंड में, वहाँ प्रारंभ हुई। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही यूपीएससी की परीक्षा दी और वहीं से आईपीएस में सेलेक्ट हुआ 1994 में। और जो रुचि मेरी साहित्य में है वो स्कूल के ज़माने से ही है, और वहाँ पर कहानी लेखन, कविता लेखन, इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी, और वहीं से जो है रुचि मेरी जगी। और पहली एक कहानी लिखी थी वहाँ पे नेतरहाट विद्यालय में, जहाँ पर मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, एक खोंचे वाला करके। वहाँ से ये साहित्यिक यात्रा मेरी प्रारंभ हुई, और वहाँ बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे लेखकों की चीज़ें, किताबें पढ़ने को मिलती थी। सो उससे रुचि और भी पक्की गहरी होती चली गई। और कॉलेज में आने के बाद मेरी पहली कहानी छपी, तब से जो है उत्साह बढ़ा, और फिर कविताएं भी लिखना शुरू की मैंने। लेकिन ज़्यादातर जो है कहानी, उपन्यास, व्यंग आदि में मैं ज़्यादा लेखन करता हूँ। ये अनुवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये है कि इसको शब्द से अनुवाद नहीं किया जाता, ये भावों से अनुवाद होता है। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा एक पहली पुस्तक थी जिसको मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया था। एक्चुअली अगर हम देखें इसकी कहानी को तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पहली बार लेखक जो हैं मिस्टर अमीश, इन्होंने ये कल्पना की थी कि अगर भगवान शिव अगर ह्यूमन होते, वो इंसान होते, तो वो किस प्रकार उन्होंने जो है भारत देश में वो आए होंगे, किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर जो है शासन को संभाला होगा, और किस प्रकार भारतीयता को दिशा दी होगी। उसकी कल्पना को इस ट्रायलॉजी में, ये त्रय पुस्तक है जिसमें कि इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पहली है, दूसरी है सीक्रेट्स ऑफ नागास, और तीसरी है ओथ ऑफ वाइपुत्राज। इसमें से जो प्रथम दो पुस्तक है उनका हिंदी में जो अनुवाद है मैंने किया है, और ये बहुत ही मनोरंजक भी है, साथ ही साथ जो है बहुत ही रहस्यमय किताब है, और परत दर परत इसमें जो है रहस्य खुलते जाते हैं प्रथम द्वितीय पुस्तक में। बहुत ऐसा समय होता है जब तनाव का माहौल होता है, ऐसे समय में ये जितनी भी हॉबीज़ होती हैं, चाहे वो लेखन का कार्य हो, चाहे गायन का कार्य हो, ये आपको रिजुवनेट करता है, ये आपको एक बार फिर से जो है उसी शिद्दत के साथ जो है कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए मेरे हिसाब से हॉबी को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। बचपन से थोड़ा बहुत गाया करता था, लेकिन नेतरहाट विद्यालय में संगीत की पढ़ाई होती थी, और मुझे याद है मैं तबला सीखना चाहता था, लेकिन जो हमारे गुरुजी थे, पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे कहा नहीं, आपको जो है गायन सीखना है, और उन्होंने मुझे गायन सिखाना शुरू किया, और वहीं से मेरी गायन की ये शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी तब, जब मुझे वर्ष तो याद नहीं है, संभवतः 1984 होगा, 1984 के करीब, जब रांची रेडियो स्टेशन में मैंने पहली गज़ल गाई थी, वो भी हमारे गुरुजी की, उन्हीं की लिखी हुई थी रचना, और उन्होंने ही राग डाला था उसको। जब भी आती है तेरी याद तेरे जाने के बाद, जब भी आती है तेरी याद तेरे जाने के बाद, सोजे गम दिल को जलाती है तेरे जाने के बाद।